डिफरेंशिएशन हम पढ़ चुके थे, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन पे बेस्ड काइनेमेटिक्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मैथ्स में जो क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंशिएशन पे बेस्ड वो अलग होते हैं, और फिज़िक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो अलग होते हैं। फिज़िक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं काइनेमेटिक्स पे, मींस वेलोसिटी पे, एक्सेलरेशन पे, वो इसी पे बेस्ड होंगे। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है ये हमारे पास एनसीईआरटी क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर ए इज इक्वल टू 8.5 मीटर एंड बी इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वॉट इज द वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 0 एंड टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, वॉट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, क्वेश्चन ये कहता है कि आपको एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी हुई है और आपको उसकी वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, और वेलोसिटी निकालते वक्त ध्यान रखिएगा आपको वेलोसिटी निकालनी है 0 सेकेंड पे और 2 सेकेंड्स पे। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई ये करना है कि जब भी आपको वेलोसिटी एट निकालना है, किसी एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालनी है, दैट मींस यू आर गोइंग टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए रास्ता कहाँ से होके जाता है, डिफरेंशिएशन होके जगह, तो आप क्या करिए पोजीशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट करने के बाद टाइम की वैल्यूज पुट करके आप उस टाइम पे वेलोसिटी निकाल लीजिए। देखिए कैसे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। देखिए पोजीशन क्या गिवन है आपको, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, नाउ एज वी नो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम dx by dt. Now we will put the value of x here, so it will be having a plus bt square. Now if I differentiate this value, then a is constant which is not having any function of time, so its differentiation will be 0. Okay, now b is having a function of time t square, so the differentiation of t square b will remain as it is. Now the square and the differentiation of t square will be 2 into t, so velocity is equal to 2bt. Now this is the value of velocity. Now this is the half part for the instantaneous velocity you are going to do. This is first part. Now velocity at t is equal to 0 seconds, 0 seconds पे आपको velocity निकालनी है, तो velocity t is equal to 0 will be, now you will put the value of time is equal to 0, then the whole value will become 0. Now second, velocity at t is equal to 2 seconds, now you have to put the value of time 2 second, so the value of velocity will be 2 into b into 2, and the value will be, this is 4 into b, and the value of b is 2.5, so 2.5, so it will be having value 4 into 2.5 10, and the unit of velocity is meter per second. 10 meter per second will be the value of instantaneous velocity at 2 seconds. Now second part, we are going to calculate average velocity. If you are going to calculate average velocity, then you are not going to differentiate it, आपको differentiate करने की आवश्यकता फिर नहीं है, आपको directly values put करनी है। आपको याद रखना है कि average velocity का formula क्या था, average velocity was delta x upon delta t, and delta shows the larger change, so you can write the delta x will be final position minus initial position upon final time, t final minus t initial. Okay, now final position is what, final position the equation of position is x is equal to a plus bt square. ठीक है, तो आपने यहां रख दिया, आप चाहें तो इसको सेपरेटली कैलकुलेट करके इसमें पुट कर सकते हैं, मैं इसको डायरेक्टली कर रहा हूं।
ठीक है, तो a प्लस बी टी स्क्वायर. नाउ व्हाट इज द फाइनल टाइम? फाइनल टाइम इज 4 seconds, सो यू विल पुट 4 square. ओके, दिस इज एक्स एफ माइनस एक्स आई. वॉट इज एक्स आई? एक्स आई अगेन एक्स ए प्लस बी एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज इनिशियल टाइम इज 2 seconds, तो इट इज 2 square डिवाइडेड बाई फाइनल टाइम इज 4 second, 4 minus 2. वी विल पुट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी एंड कैलकुलेट द होल इक्वेशन. सो ए इज 8.5, तो 8.5 प्लस बी इज 2.5 इंटू 2.5 इंटू स्क्वायर ऑफ 4 विच इज 16 माइनस 8.5 प्लस 2.5 इंटू स्क्वायर ऑफ 2 इज 4 डिवाइडेड बाय 2. सो इट विल बी हैविंग वैल्यू 2.5 इंटू 16 विल बी 40. इट विल बी हैविंग वैल्यू 40. सो 40 प्लस 8.5, 48.5 एंड दिस इज 10 प्लस 18.5 डिवाइडेड बाय 2. इट विल बी 30 अपॉन 2, 15 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 seconds एंड 4 seconds. यहाँ मैंने डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दी है. आप इसको अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं. अलग अलग कैलकुलेट करने का मतलब क्या है कि आप एक्स एफ की वैल्यू अलग से निकाल लीजिए, एक्स आई की वैल्यू अलग से निकाल लीजिए, फिर इसमें पुट कर दीजिए, तो आपको थोड़ा हॉच पॉच कम हो जाएगी बस, और कुछ इसके अलावा होना नहीं है. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज एक्स इज इक्वल टू 18t प्लस 5t स्क्वायर. कैलकुलेट वेलोसिटी एट 2 seconds, एक्सेलरेशन एट 2 seconds and velocity between 2 seconds and 3 seconds. So, in first part, we are going to calculate velocity at 2 seconds. If I am going to calculate velocity at, that means I am talking about velocity at any instant. मैं किसी एक instant पे velocity calculate करने जा रहा हूँ. If I am going to calculate velocity at any instant, then I will have to differentiate the value of displacement with respect to time, then I will get the value of instantaneous velocity. समझ में आ गई बात? जहां भी at लिखा हो समझ लो instantaneous velocity निकालनी है, और instantaneous निकालनी है मतलब differentiate करना है. तो देखिए solution. v is equal to dx by dt. चलिए d by dt as it is. x की value आपने put की 18t प्लस 5t स्क्वायर. चलिए नाउ द डिफरेंशिएशन ऑफ 18t, सो 18 विल रिमेन एज इट इज क्योंकि वो t से मल्टीप्लाइड है, इसलिए 18 जीरो नहीं होगा. अगर अकेला 18 होता तो वो जीरो हो जाता. t द डिफरेंशिएशन ऑफ t विल बी 1 प्लस 5t स्क्वायर. t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? t की पावर 2 है तो 2 आगे आ जाएगा, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, और t की पावर 2 माइनस 1 तो सिर्फ t रह जाएगा. सो इट विल बी द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी. नाउ वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स मींस यू आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ टाइम नाउ. सो इट इज 18 प्लस 10 इंटू 2, दिस इज 20 प्लस 18, 38 मीटर पर सेकेंड. So this is the velocity, this is first part. Velocity at 2 seconds will be 38 meter per second. Now I am going to calculate acceleration at 2 seconds. Ab dekhiye, acceleration hota hai, acceleration is equal to dv by dt. That means you have to differentiate the value of velocity with respect to time. Now which value you will differentiate? You will differentiate the value. आप उस वैल्यू को डिफरेंशिएट करोगे जहां आपने टाइम की वैल्यू पुट नहीं की है. वेलोसिटी निकाल तो ली है लेकिन टाइम की वैल्यू पुट नहीं की है, तो कहां पुट नहीं की है? यहां पुट नहीं की है. ठीक है, तो आपने d अपॉन dt 18 प्लस 10t. अब देखिए 18 इज अलोन, सो इट विल गेट 0. द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट अलोन इज 0 एंड द वैल्यू ऑफ t विल रिमेन, 10 विल रिमेन एज इट इज एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ t इज 1. So it is 10 meter per second and the unit of acceleration is meter per second square. Now third,
वेलोसिटी बिटवीन 2 seconds एंड 3 seconds, इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट वेलोसिटी बिटवीन ए टाइम इंटरवल देन दैट मीन्स इट इज एवरेज वेलोसिटी। तो आप एक चीज याद रखिए कि जहां बात हो एट वहां है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और जहां बात हो बिटवीन मतलब कि टाइम इंटरवल आपको गिवन हो तो वहां आपको एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होती है। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है दैट इज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा शोज द लार्जर चेंज एंड द लार्जर चेंज विल बी एक्स एफ माइनस एक्स आई अपॉन टी एफ माइनस टी आई। नाउ आई विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स एफ एंड एक्स आई सेपरेटली। सो लेट्स टेक अ लुक। एक्स एफ मीन्स पोजिशन, फाइनल पोजिशन। So the value of position is 18 into t. Now if I am going to calculate final position, then I will put the value of final time. So the final time is 3 seconds. So 18 into 3 plus 5 into square of 3. So it is 54 plus square of 3 will be 9. 5 is a 45. So it is value 99 meter. Means the body will be at 99 meter at final time. Now initial position. Initial position B means 18 and what is initial time? 2 seconds. So 18 into 2 plus 5 into square of 2. So it is 36 plus square of 2 will be 4 into 5, 20. That means it will be 56 meter. Now I will put these values here. So it is XF, XF is 99, XI 56, now TF, T final time is 3, initial time is 2, so if I subtract 56 from 99, so it will be having value 43 divided by 1, so 43 meter per second will be the average velocity between 2 seconds and 3 seconds. We will do one more question, and this question is the particle displaced under the action of constant force is related to time t by t is equal to root x plus 3. Find position of particle when velocity is 2 meter per second. Means you have given a equation t is equal to root x plus 3 and you are asked to find the position of particle when velocity was 2 meter per second. जब वो 2 meter per second होगी तो आपको उसकी पोजीशन बतानी है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कि इस क्वेश्चन में आपके पास टाइम की इक्वेशन दी है, यहीं से आप बना लीजिए कैसे पोजीशन की इक्वेशन। पोजीशन की इक्वेशन बनाने के बाद उसको डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लीजिए, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग द वेलोसिटी पुट द वैल्यू वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 seconds, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टाइम। आपको टाइम की वैल्यू मिलेगी, देन टाइम की वैल्यू को आप पोजीशन की इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मतलब कि आपके पास, मैं बता देता हूं, टाइम दिया है, टाइम की इक्वेशन दी है, इसको बना लीजिए किसमें, पोजीशन में, पोजीशन से वेलोसिटी निकालेंगे, देन वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 seconds पुट करेंगे, जो भी आपके पास टाइम की वैल्यू आएगी उसको उठा के पुट कर देंगे इक्वेशन ऑफ पोजीशन में। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्यूशन। आपके पास t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस दिया है, 3 दिया है, 3 को इधर ले आइए, तो ये t माइनस 3 इज इक्वल टू रूट एक्स। नाउ इफ यू स्क्वायर द होल इक्वेशन, सो x विल बी t माइनस 3 होल स्क्वायर, दिस इज पोजिशन। नाउ इफ यू डिफ्रेंशिएट दिस द वैल्यू ऑफ x, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो एज यू नो, एज वी नो, dx by dt will be equal to v, so d upon dt that is t minus 3 whole square। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है आपको, तो देखिए कैसे डिफ्रेंशिएट हो गए ये, देखिए ये आपका चेन रूल से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, चेन रूल से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, तो देखिए 2 आगे आ गया, t minus 3 as it is, अब अंदर वाला जो फंक्शन है वो डिफ्रेंशिएट होगा, तो जब अंदर वाला फंक्शन डिफरेंशिएट हो जाएगा तो देखिए t माइनस t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, दैट मींस यू आर हैविंग वैल्यू 2t माइनस 6। ये 1 से मल्टीप्लाई किया तो कुछ वैल्यू बचेगी नहीं आपके पास,
तो 2t माइनस 6 विल बी द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। नाउ अब देखिए, आपने टाइम से पोजीशन की इक्वेशन बना ली, फिर पोजीशन से आपने वेलोसिटी की वैल्यू इक्वेशन बना ली। अब वेलोसिटी में आप वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 सेकंड्स पुट कर देंगे, तो v इज इक्वल टू, मैंने 2 पुट कर दिया, टाइम नहीं पुट करना है आपको, वेलोसिटी ही 2 पुट कर देनी है। तो ये हो गया 2t माइनस 6, माइनस 6 इधर आ जाएगा, तो ये 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 2t इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 2t, इससे ये कैंसिल, तो t इज इक्वल टू 4 सेकंड्स। अब बस इस टाइम की इक्वेशन को उठा के पोजीशन में पुट करना है, यहाँ पुट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो x विल बी इक्वल टू 4 माइनस 3 होल स्क्वायर, सो इट विल बी, x विल बी इक्वल टू 4 माइनस 3 1 एंड स्क्वायर ऑफ 1 विल बी रिमेन 1, सो द वैल्यू ऑफ पोजीशन विल बी 1 मीटर। सो इफ द वेलोसिटी ऑफ ए पर्सन इज 2 मीटर पर सेकेंड, देन द पोजिशन ऑफ दैट बॉडी और दैट पर्सन विल बी 1 मीटर। ठीक है, सो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस करते रहिएगा। डिफरेंशिएशन एक ऐसा, मतलब अब तो आगे हम बढ़ेंगे इंटीग्रेशन की तरफ, देन इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। ये चैप्टर ऐसा है जिसके क्वेश्चंस करने में इंटरेस्टिंग रहते हैं हमेशा, सो प्लीज़ करते रहिएगा।